शेड्यूल कर। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो है हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा मिक्स वाला सेशन है, अल्टरनेट इवनिंग में रेगुलर क्लास होती है 7 बजे मरते दम तक, मीन्स जब तक मेरी अनअकैडमी पर क्लास रहेगी शाम को 7 बजे की हमेशा फ्री रहेगी। इसमें क्या चलता है, साइंस चलता है और 5 सब्जेक्टों का मिक्सचर सेट चलता है। तो आज का दिन है अपना 5 सब्जेक्टों का मिक्सचर सेट। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से है उसमें, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान। तो ये 5 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, तो इनके ऊपर आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन का फाइनली सेट रहता है। इसी के साथ मैं शुरुआत करवाना चाहूंगा, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है MCG Academy, जहां पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। इसी क्लास का रिवीजन क्लास आप लोगों को उपलब्ध वहां पर हो जाता है, मीन्स 1 घंटे का क्लास आप लोगों को 20 मिनट में वहां पर रिवीजन के रूप में उपलब्ध हो जाता है। ओके, और मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल प्रमोशन रावत, यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का रहने वाला है, वो आज आप लोगों का रहने वाला है किसको लेकर के, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है वो क्या कहता है, ये कहने से पहले एक छोटा सा एक और बात बताना चाहूंगा, मेरा प्लस कोर्स आ गया है MPGK का जो चल रहा है अभी, MPSI MP प्लस के लिए, इसको आप इनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ जो है 25 तारीख से मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और प्लस कोर्स लॉन्च होने वाला है रात को 9 बजे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा। वो भी आप लोगों ने यदि अभी तक इनरोल नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सकेंगी। ओके, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, मॉडर्न हिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे और बाकायदा सभी 5 सब्जेक्टों के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ उसका क्षण बताइए, नहीं होना है। देखो, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पहली बार 1858 में पारित किया गया था, इसमें कोई बात ऐसा डाउट वाला नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो बताइए भाई जो है किसके लिए विख्यात है, मतलब किस बात के लिए इसको ज्यादा जाना जाता है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1896 का जो अधिवेशन आप लोगों का था वो सबसे यहाँ प्रसिद्ध आप लोगों का पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसको लिखा है, और इसको उपन्यास है उनका। यदि आनंद मठ आप लोगों को पूछा जाए कि क्या है कभी, तो आप लोगों को बताना है आनंद मठ आप लोगों का उपन्यास है। यह है 1937 तक भारत का राष्ट्रगान बना। तो भारत का राष्ट्रगान बनने में से काफी लंबा समय लग गया, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को टाइम ध्यान देना चाहिए। 1937 में आकर के भारत का राष्ट्रीय गीत ये बना, ठीक है। और 1937 तक जो भारत का राष्ट्रीय गान रहा था, ये बात भी आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि तब जाकर के जो है नया राष्ट्रगान आप लोगों का तैयार हुआ था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो बताइए किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, उसका नाम बता दीजिए। देखो, आप लोगों का गवर्नर जनरल, तो उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ की यदि बात करेंगे तो 20 मार्च 1835, 20th of March 1835, मेरा वो नहीं आया है पेन टैप, तो आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936, मतलब लगभग काफी साल तक रहे हैं। 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे 1936, अच्छा एक ही साल तो रहे हैं, ये 1836 ही होगा भाई, इतना तो कोई जीता भी नहीं है ना। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे, इस दौरान उन्होंने प्रेस को मुक्त कर दिया, मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी खबर छाप सकते थे, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन कभी भी बने तो टिक करना, चार्ल्स मेटकाफ। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कतार्जा व्यवस्था का मुख्य उपयोग किसके द्वारा किया जाता था, बताइए भाई किसके द्वारा किया जाता था। देखो, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातार्ज व्यवस्था की बात करें, तो कातार्ज व्यवस्था क्या होती है, ये एक तरीके से समुद्र में जहाज चलाने का लाइसेंस होता था। तो ये व्यवस्था जो है पुर्तगालियों के द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी, और 20वीं सदी में जो आकर के जो है 20th century की बात करेंगे तो 20वीं सदी में नेवी शर्ट नामक व्यवस्था इनके द्वारा शुरू की गई थी। उससे पहले कतार चलता था, उसके बाद नेवी शर्ट शुरुआत कर दिया था। ये आप लोगों का क्या है, ये जो आप लोगों का सिस्टम मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों का क्या है,
वो आप लोगों का है एक तरीके से लाइसेंस। किसी को भी यदि परेशानी आ रही समझ में तो आसानी से पूछ सकता है। एंड प्लीज़ मेरी लैंग्वेज पर नहीं जाना अभी थोड़े दिनों के लिए, जब तक मेरी परेशानी है। अदरवाइज मैं चाहता तो क्लास ऑफ भी कर सकता था, लेकिन रेगुलर लेकर के आता हूँ, तो प्लीज़ आप भी रेगुलर आइएगा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बता सकते हो कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई ये वाला कथन सही नहीं है कि उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये वाला उसका राइट नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन बोस के साथ साधारण मिलकर उनकी समाज ने नहीं की थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये जो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सुन लीजिए। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी, ये मैंने आप लोगों को रिवीजन के दौरान बताया भी था, इसका अच्छे से जवाब दीजिएगा। देखो स्वतंत्रता आंदोलन जो है आप लोगों का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के कारण वापस कर दी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1915 में जो है आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। 13 अप्रैल 1919 को आप लोगों का जलियांवाला कांड जो हुआ था उसके चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि उपाधि वापस करने के लिए उन्होंने किसको पत्र लिखा था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उन्होंने उपाधि वापस करने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, देखो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है, तो बताइए भाई मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल किस कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जो है आप लोगों का 1916 की बात कर रहा है। हाँ, तो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल जो आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा 1916 में आप लोगों का जो है इसका आंसर होगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो बड़े गरम दल और नम दल के बातों के लिए जो है मंच पर लाया गया था, और अंबिका प्रसाद मजूमदार का नाम जो है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के दौरान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत की पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई, तो बताइए भाई भारत की पहली यूरोपीय बस्ती, तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर गई, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा उसमें आप लोगों का कोची आप लोगों का राइट आंसर होगा। केरल के एर्नाकुलम जिले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, केरल के एर्नाकुलम जिले में जो है कोची जिले में कोची फोर्ट भारत में सबसे पहली यूरोपीय बस्ती है। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। कोच्चि जो आप लोगों का है वो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम आप लोग समझते हो, ये आप लोगों का उत्तर दक्षिण और ये पूरा पश्चिम, तो मतलब ये आप लोगों का जो है केरल, ये इस समुद्री इलाके से बिल्कुल केरल सटा हुआ है, पूर्णतः दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला इलाका आप लोगों का यहाँ पड़ेगा। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया, अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार के लिए फरमान जो जारी किया था, इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा गोलकुंडा, गोलकुंडा राज्य आप लोगों ने सुना होगा। इसके लिए अंग्रेजों को जो है 500 पगोड़ा प्रति वर्ष पे करना पड़ता था, तो उस समय पगोड़ा जो है मुद्रा चलती थी, तो मुक्त व्यापार के लिए सबसे पहले गोलकुंडा राज्य उनको मिला था और उसके लिए उनको पे करना पड़ता था पर ईयर 500 पगोड़ा। पगोड़ा उस समय मुद्रा हुआ करती, जैसे आज रुपया है उस समय पगोड़ा होता था। सालवई की संधि किस युद्ध से संबंधित है, बताइए भाई सालवई की संधि जो आप लोगों का है किस युद्ध से संबंधित है? देखो सालवई की संधि जो आप लोगों की थी वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो है एक तरीके से परिणाम था। इसमें अंग्रेजों ने और मराठाओं ने जो है हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हस्ताक्षर हुए थे उसके दौरान भी साल शेत और ब्रोच जो आप लोगों के स्थान थे वो फिर भी अंग्रेजों के कब्जे में रहे थे। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाला है, आप लोगों का जो मैंने बताया था कि आधुनिक भारत इतिहास के जो आप लोगों के हैं वो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन का सीरीज रहता है। अब जो आप लोग आ चुके हो वो एक नए सब्जेक्ट पर, मतलब यदि बोलेंगे कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है ये आप लोगों का, तो बताइए भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा
निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि अल्पसंख्यकों का दर्जा किस किस को मिला हुआ है। चारों ही समुदाय जो आप लोगों को दिख रहे हैं, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, चारों को ही अल्पसंख्यक की दृष्टि में रखा गया है। अल्पसंख्यक मतलब उनकी संख्या कम है, और साथ ही साथ उनको विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं अल्पसंख्यकों को। कौन सा कथन सही नहीं है चुनाव आयोग के लिए, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है चुनाव आयोग के बारे में, कौन सा कथन सही है। तो ये आप लोगों का जी वाला सही है कि 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को इसमें जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए, अनुच्छेद आप लोगों को बताना है कि कौन सा मिलान सही है। तो बताइए भाई कौन सा मिलान इसमें सही है, क्योंकि तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है। बिल्कुल, यदि जैसे कि कोई की भी फांसी है उसको क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, लेकिन 4 वाला आप लोगों का गलत है। इसमें भारत के ऑडिट जनरल की शक्तियां कौन कार, ये आप लोगों का 3B सही है। 3B सही है, तो 3B में सही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों का बी वाला सही है, 1, 2 और 3 सही है। कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है, थोड़ा सा देख करके करना क्योंकि ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिलहाल ये आप लोगों को बताना है कि विकल्प को सुनकर के बताइए कि कौन सा आप लोगों का परफेक्ट है, जिसमें जो आप लोगों का सेकंड वाला है केवल 4, कि अगर व्यक्ति को निवारक और हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे रोक दिया गया है। केवल 4 जो आप लोगों का है संसद के रूप में निर्वाचित होने अयोग्यता के आधार पर नहीं है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, बताइए भाई कौन सी 4 अनुसूचियां जो आप लोगों की हैं वो एक्सपीरियंस से संबंधित हैं। देखो, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है, तो जो आप लोगों की 6वीं अनुसूची की बात कर रहा हूँ वो आप लोगों का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब इन 4 राज्यों का छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची अलग से लिया गया है, तो 6वीं अनुसूची में ये आप लोगों का बयान इसका दिया गया है। एक्चुअल में 4 राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति पाई जाती है वो काफी पिछड़ी है। आज भी वहां पर ये कंडीशन है कि कोई व्यक्ति जाता है तो शायद ही लौट करके आए, वो पका करके खा जाते हैं। मतलब अभी भी उनको ये ज्ञान नहीं है कि विश्व में क्या चल रहा है, हम चांद पर पहुंच गए उनको नहीं मतलब, उनको अपने जंगल से मतलब है। तो फिलहाल उनका बी वाला ही आंसर हो, क्योंकि इन 4 राज्यों में ये नियम लागू नहीं होते, रियल है भाई, देख लेना कभी कहीं से डिस्कवरी देखा करो थोड़ा सा, है ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है, तो बताइए भाई कौन सा जो है संविधान की पहली अनुसूची में यह वर्णन दिया गया है कि कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। तो पहली अनुसूची में ही जो है, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो पहली में ये सारे काम होते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है, तो बताइए भाई किस क्षेत्र के तहत वो है अधिकार ले सकते हैं। वास्तविक न्यायालयिक अधिकार जो आप लोगों का है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो उनको वास्तविक न्याय अधिकार के तहत, नॉर्मल कोर्ट के तहत या वास्तविक न्याय अधिकार जो आप लोगों का रहता है उसके तहत उनको निर्णय क्षेत्र के तहत ले आने का कार्य किया गया है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, बताइए भाई कौन सा हिस्सा है और जो अपील में भाग नहीं लेता है। तो इसमें जो आप लोगों का है वो राज्य विधानसभा, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा सी वाला। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी, बताइए भाई स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी, स्वर्ण सिंह समिति की जो बात कर रहा हूँ उसने सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सलाह दी थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1976 में जो आप लोगों का है कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल जब घोषित किया था 77 में, तो संचालन के दौरान क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता के बारे में थोड़ी सी सिफारिशें जारी की गई तो स्वर्ण सिंह समिति ने स्थापना की और इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि उनके पास कुछ एक अधिकार भी हैं।
उनके पास कुछ अधिकार भी हैं, और यदि उनके पास अधिकार हैं तो इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो 1946 में, सॉरी 1976 में, 1976 में ही, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान में भाग फोर्थ ए, भाग संविधान के भाग फोर्थ ए में इनको रखा गया है। ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ओके, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? मैम नहीं, मैं होगा, मैं आरक्षित है, बताइए भाई किस प्रदेश में आरक्षित है? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो आप लोगों की अनुसूचित जनजाति को मध्य प्रदेश में आरक्षित है। हृदय प्रदेश 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो काफी ज्यादा जरूरी था आप लोगों के लिए, है ना, कि कुल कितनी है, 29 है लोकसभा की सीटें, उनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसी के साथ जो आप लोगों का है सेकंड वाला पोर्शन जो आप लोगों का है कंप्लीट हो जाता है। सेकंड वाला पोर्शन मैंने आप लोगों का करवाया था आधुनिक, सॉरी भारतीय राज्य व्यवस्था। अब हम चलते हैं पर्यावरण समान ज्ञान की ओर, पर्यावरण समान ज्ञान की ओर चलते हैं। पर्यावरण समान ज्ञान में जो आप लोगों को क्या बताना चाहेगा, ऑफकोर्स इसका लीडर बोर्ड आप लोगों का अगले क्वेश्चन पर दिखा दिया जाएगा, डोंट वरी। मैं ऐसा मानता हूं कि मोटिवेशन के लिए मैं खुद ही काफी हूं। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, तो किस राज्य में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है बता दीजिए। राज्य में नहीं है वो, स्पेशली एक अपने आप में बड़ी हस्ती है। देखो तो विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम क्या है पढ़ लिया करें, उसके बाद हमको आंसर देना चाहिए कुछ। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा था, यदि ओवरऑल देखा जाए तो चीन है भाई, चीन है, लेकिन प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के रूप में कतर पहली बार स्थान पर है। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली बार, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति कार्बन के बारे में बात करना नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आप इसका जो है बताइए, निम्न में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, उस गैस का नाम बताइए। फिलहाल इसके आंसर की यदि बात की जाए तो उसमें जो है आप लोगों का जो है 22 वाले का कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों का जो है बहुत ही बड़ा प्रदूषक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन प्रदूषक की बात करता है, सर्वाधिक प्रदूषण तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही होता है। कौन सा कथन गलत है, विच इज रॉन्ग, तो कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से आप लोगों का कोई सा भी कथन गलत नहीं है, कोई सा भी कथन आप लोगों का गलत नहीं। कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा था आप लोगों का, तो इनमें से कोई सा भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे जो है आप लोगों के राइट है। तो ये सारे के सारे आप लोगों के ओके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था, बताइए भाई इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन की बात कर रहा है तो ये जो आप लोगों का है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था, 1866 में आप लोगों का इसका स्थापना की गई थी। इसके बारे में आपको पूरा बताना चाहूंगा कि क्या होता है इकोलॉजी या पारिस्थितिक विज्ञान, पारिस्थितिक का अध्ययन करने को हम इकोलॉजी कहते हैं, और पर्यावरण की वह शाखा है जिसके द्वारा हम परिस्थिति का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। इसकी स्थापना जो है 1866 में की गई थी, कब की गई थी, 1866 में। ओके, ये आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब की गई थी। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती है, बताइए इकोटोन में जो मात्राएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती है। सबसे पहले इकोटोन होता क्या है, तो इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। सबसे पहले इकोटोन दो बायोम के मध्य संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, दो बायोम के मध्य संक्रमणकालीन क्षेत्र आप लोगों का इकोटोन कहलाता है, और इकोटोन में पाई जाने वाली प्रजातियां आप लोगों की क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती है भाई, इकोटोन में पाई जाने वाली प्रजातियां आप लोगों की क्या कहलाती है, रुकिएगा एक मिनट, थोड़ा सा एज प्रजातियां कहलाती हैं, ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, इसको चार्जिंग पर लगा दूं। ओके, तो किसी कोई परेशानी जो है नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों क्या कहता है, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है, तो बताइए भाई साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आप लोगों का आता है। तो साइबेरियन सारस की बात कर रहा है किस नेशनल पार्क में आता है, तो आप लोगों का केवला देव नेशनल पार्क आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। देखो साइबेरियन सारस की बात कर रहा है तो आप लोगों का जो है ये खतरे की प्रजाति है, भारत के केवला देव नेशनल पार्क जो आप लोगों का राजस्थान में स्थित है ना, वहां पर ये प्रजाति जो है आती है, और केवला देव की बात करें तो आप लोगों का राजस्थान में स्थित है, इसको विश्व नेशनल या कहें विश्व धरोहर भी इसको घोषित कर दिया गया है। साइबेरियन सारस यहाँ पर
आप लोग जानते हो जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस तरीके से वो लोग आते हैं अपने एक मौसम के अनुसार और लौट करके चले जाते हैं। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? बताइए भाई, कितने प्रकार होते हैं चट्टानों के? चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से भाई? अग्नेय शैलें, अवसादी शैलें और रूपांतरित, या जिनको हम जो है कायांतरित शैलें भी कहते हैं। ठीक है, तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। कौन कौन सी? अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित। भारत में सबसे यहाँ टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो सबसे यहाँ टाइगर रिजर्व जो है आप लोगों का एमपी में रहता है, तो एमपी आप लोगों का टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और एमपी में जो चल रहा है आप लोगों का डी वाला, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा अंकिता। तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र की बात कर रहा है, तो एमपी आप लोगों का राइट आंसर होगा। बीच में ये दर्जा हमसे छीन लिया गया था, महाराष्ट्र को मिल गया था, लेकिन फिर से हमने इसको छीन लिया, कर्नाटक को मिल गया था शायद, है ना, और फिर से हमारे पास ही आ गया है। अर्थ ओवर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अर्थ ओवर बताइए भाई किसके द्वारा मनाया जाता है? ओवर अर्थ किसके द्वारा मनाया जाता है? WWF भाई, WWF वर्षा जी एक संस्था है। इसके यदि समर्थक की बात की जाए तो 5 मिलियन से ज्यादा समर्थक इसमें हैं और 100 देशों में फैला हुआ ये है। इसका उद्देश्य, WWF जो संस्था है आप लोगों की, उसका उद्देश्य जो है वो धरती के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना है। ओके, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भाई NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई। NGT की स्थापना की बात कर रहा हूं, तो 2010 में NGT की स्थापना हुई थी। उसके पहले अध्यक्ष जो आप लोगों के थे लोकेश्वर सिंह थे। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को इसमें जाना होगा। तो पहला क्वेश्चन इतिहास का आज आप लोगों का, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आप लोगों का कौन सा है? बताइए भाई कौन सा है सबसे बड़ा महाकाव्य? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो आप लोगों का है वो महाभारत है। बी के साथ आप लोगों को जाना है। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? बताइए भाई कहाँ खोजा गया बोगज कोई अभिलेख? बोगज कोई अभिलेख जो आप लोगों का खोजा गया था वो आप लोगों टर्की में खोजा गया था। सेम कंडीशन इन मोसोपोटामिया, मोसोपोटामिया। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी? बताइए भाई हु इज द राइटर ऑफ अष्टांग संग्रह? अष्टांग संग्रह की रचना जो आप लोगों की थी वो आप लोगों की किसके द्वारा की गई थी? वाण भट्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को जाना है, कोई बात नहीं। वाण भट्ट की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टांग संग्रह की रचना बाघ भट्ट के द्वारा की गई थी। ये जो पुस्तक आप लोगों की है अष्टांग संग्रह, वो आप लोगों की किससे संबंधित है भाई? जो है आयुर्वेद से संबंधित आप लोगों की पुस्तक है। ओके, इसमें आप लोग कोई परेशानी जो है नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है क्या कहता है? 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? तो बताइए भाई 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? देखो 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किस किसके बीच हुआ था? त्रिकोणीय संघर्ष आप लोगों का चालुक्य, पल्लव और पांड्य वंशों के बीच हुआ था। ऑप्शन ए के साथ जाना है। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया? किस राजा के राज्य से लिया गया था? किस राज्य से लिया गया था बताइए भाई? कोरोमंडल शब्द जो आप लोगों का है वो फाइनली आप लोगों का चोल राजवंशियों राजाओं से लिया गया था। ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को जाना है। ओके, और लिया गया चोल राज्यों से। ठीक है, और इसमें जो आप लोगों का भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को इसका नाम दिया गया है कोरोमंडल तट, आप लोगों ने सुना होगा मैपिंग में। कौन सा कथन गलत है बताइए भाई? कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन इसमें से आप लोगों का गलत है? तो आप लोगों का यही वाला जो है, कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे सही है। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो बताइए भाई किसके लिए समर्पित है ऋग्वेद का एक मंडल जो आप लोगों का है? दिव्य सोम के लिए सुप्रसिद्ध है। डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में बना हुआ है? बताइए भाई किस गांव में बना हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो ये विश्वविद्यालय जो आप लोगों का बनाया गया था वो अंतिचक आप लोगों का एक गांव पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहां बनवाया गया था। राय धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था और बख्तियार खिलजी का नाम शायद सुना हो, उसने इसे नष्ट कर दिया था। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बौद्धिक किसे कहा जाता है? बताइए भाई किसे कहा जाता है?
तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में भविष्य किसे कहा गया है, भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है, तो भविष्य बौद्ध मैत्रेय को कहा गया है। पुस्तकों में भविष्य में जो है शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है, तो ऑप्शन सी के साथ इसमें आप लोगों को जाना था। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला, बताइए भाई किन दो वंशों ने मिलकर राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला, किन दो वंशों ने राजकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला। तो ये जो आप लोगों के दो वंश हैं वो आप लोगों का पतिभार और पोल वंश हैं। 8वीं सदी की बात किया तो भारत में सिर्फ तीन ही वंश थे, तीन प्रमुख वंश थे। पहला उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में जो है आप लोगों का राजकूट वंश। ये तीन ही वंश मूल रूप से वहां पर थे। और इसी के साथ चलते हैं आज के अंतिम सभा की ओर, मीन्स अंतिम जिस ओर आप लोगों का कोर्स जो है आज की क्लास कंप्लीट होगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का 41 नंबर का दिया गया है, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी। जो रुकैया बेगम की बात कर रहा है तो रुकैया बेगम जो है आप लोगों की अकबर की पत्नी का नाम था, पहली पत्नी थी अकबर की, है ना, पहली। फिर बाद में जोधाबाई बनी। पहला जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, पहली पत्नी रुकैया बेगम जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम जो आप लोगों की थी उनके पिता कौन थे, हसन मिर्जा, जो कि अकबर के पिता मतलब हुमायूं के भाई थे, हुमायूं के भाई थे, है ना, और उनके सबसे छोटे भाइयों में से एक थे। जो कौन थे, छोटे भाइयों में से एक हसन मिर्जा, जो किसके पिता थे, रुकैया बेगम के। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी, बताइए भाई रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी। शशांक आपको आप क्यों नहीं, आपका क्या है भाई, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी। तो ये जो आप लोगों की है अल्तुनिया की पत्नी थी। रजिया के राज्य में अल्तुनिया विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान को जो है बंदी बना लिया गया था। इन्होंने कूटनीतिक तरीके से अल्तुनिया से जो है शादी कर ली थी। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी, बताइए भाई किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी मार्को पोलो ने। 1293 मार्को पोलो ने भारतीय राज्य की यात्रा की, वो आप लोगों का राज्य कौन सा था वो आपको बताना है। होयसल आप लोगों का राज्य था, बी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। यहाँ के धन संपदा विस्तार का उल्लेख उसने अपनी पुस्तक के द्वारा किया गया है। खिजर खान ने किस वंश की स्थापना की थी, बताइए भाई किस वंश की स्थापना की थी खिजर खान ने। खिजर खान ने किस वंश की स्थापना की थी, तो भाई उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। किस सन में की थी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसने 1414 में जो है सैयद वंश की स्थापना की थी खिजर खान ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो बताइए भाई किसके द्वारा करवाया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। जीटी रोड के निर्माण की यदि बात करते हैं तो मौर्यकालीन राजाओं ने करवाया गया था, और पुनर्निर्माण की बात करते हैं शेषासुरी के द्वारा करवाया गया था। मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में है जीटी रोड, ओके। लिलुहा करके जगह पड़ता है, आप लोग गए होंगे कभी। तालीकोट का युद्ध किस वर्ष हुआ, बताइए भाई किस सन में हुआ था तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध हुआ था आप लोगों का 1565 में हुआ था। ये जो है विजयनगर साम्राज्य और देक्कन की सल्तनतों के बीच हुआ था 1565 में, इसमें हुआ। इसमें विजयनगर के जो है सेनापति थे सदाशिव राय, उनका जो है पराजय हुई थी। सदाशिव राय का नाम ध्यान रखना है, तालीकोट से जब भी आप लोगों का तालीकोट आता है तो आप लोगों को सदाशिव राय का नाम जो है यहाँ जरूर आना चाहिए। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह 1679 में, मीन 1679 में जो आप लोगों का हुआ था। ये हिंदुओं पर क्या है कि आपको पता है कि जो है मुगलिया सल्तनत का काफी सारा आर्थिक स्थिति जो है डगमगा चुकी थी, इसके लिए उन्होंने हिंदुओं पर कर लगाना शुरू कर दिया और इसके चलते राजपूतों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये यदि कारण पूछा जाए तो कारण भी आप लोगों को आना चाहिए वन वर्ड में। शाहजहां की मृत्यु कब हुई, शाहजहां की मृत्यु कब हुई, तो शाहजहां की मृत्यु आप लोगों का कब हुआ था भाई, 1666 में हुआ था। और 1666 में हुआ था, उससे पहले 1658 में उसका पुत्र कौन था, औरंगजेब, उसने उसको जेल में डाल दिया था। जेल में किस लिए डाल दिया था, जेल में इसलिए डाल दिया था क्योंकि वो लगातार ताजमहल बनवाई जा रहा था। ताजमहल बन गया ठीक है, अब उसके दिमागी फितरत देखो, उसके सोच में ऐसा था कि काला ताजमहल और बन बनाए बगल से ही, प्लॉट कटा हुआ डला है अभी भी लेकिन मतलब वहां बना नहीं है ठीक है। तो यदि ऐसा और हो जाता कि वो काला ताजमहल और बनवा देता तो फिर ये मान लीजिए शायद ही है औरंगजेब को खाने के लिए कुछ बचता, इसीलिए औरंगजेब ने उसको अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था सन 1658 में।
उसके बाद 8 साल रहने के बाद जेल में उसकी मृत्यु हो गई। ओके, पाल खेड़ का युद्ध कब हुआ? किस सन में हुआ, मतलब पाल खेड़ का युद्ध कब हुआ? तो पाल खेड़ के युद्ध की बात कर रहा है, तो पाल खेड़ का युद्ध आप लोगों का 1728 में जो है हुआ था, और इस युद्ध में बाजीराव हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था 1728 में, जिसमें निजाम बुरी तरह हारे थे। हो जाएगी, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? बताइए भाई, शनिवार वाड़ा आप लोगों का किस वंश से संबंधित था? देखो, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था, तो ये जो आप लोगों का संबंधित था वो मराठा साम्राज्य से संबंधित था। इसमें क्या था, पेशवाओं के बैठने का स्थान निर्धारित किया जाता था। ओके, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आज की क्लास जो है आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिनने भी प्लस कोर्स इनरोल नहीं किए हैं वो प्लस कोर्स इनरोल कर लीजिए। एमपीजीएस का चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप लोगों का कितनी तारीख से आप लोगों का 25th से स्टार्ट होने वाला है। अब आप लोगों के ये इसका रिजल्ट रहा, आप लोगों को लीडर बोर्ड देखना है तो लीडर बोर्ड भी अभी दिखा दिया जाएगा। जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल जो है एमसीजी एकेडमी उसको सब्सक्राइब नहीं किया है उसको कर लीजिए, क्योंकि इसका रिवीजन क्लास आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा। ओके, आइए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक।